लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की सड़कों पर नेताओं और उनके समर्थकों का हुजूम आम बात है, लेकिन इस हुजूम में कुछ ऐसे नाम हैं जो फिलहाल गायब है। इन नामों में आपको उमा भारती, यशोधरा राजे सिंधिया और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे नाम मिल जाएंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उमा भारती की। उमा भारती एक समय तक बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आए दिन भोपाल में उनके बंगले पर मीडिया कर्मियों का आना जाना था। उमा ये भी मानकर चल रही थी कि देर सवेर उन्हें पार्टी टिकट जरूर देगी, लेकिन हुआ कुछ और। जब उमा को ये लगने लगा कि पार्टी उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने खुद ही लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया और उत्तराखंड की यात्रा पर चली गई। इतना ही नहीं, उमा का नाम तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नहीं था। हालांकि जब उनसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने खुद ही ये कहा था कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर चुनाव न लड़ने का आग्रह किया है। अब चलिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस बार बीजेपी ने भोपाल लोकसभा से टिकट नहीं दिया। प्रज्ञा का टिकट कटा तो राजनीतिक पंडित पीएम के उस बयान को खोजने लगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर सकते। टिकट देने की बारी आई तो बीजेपी ने भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को टिकट दे दिया। उसके बाद से ही प्रज्ञा मानो गायब सी हो गई है। मीडिया में भी उनको लेकर कोई ज्यादा हलचल नहीं है। दूसरी तरफ 7 मई को भोपाल लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। जाते जाते बात कर लेते हैं यशोधरा राजे सिंधिया की। कैबिनेट मंत्री रह चुकी यशोधरा राजे सिंधिया अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर विधानसभा चुनाव के समय से ही राजनीतिक गलियारों से दूर है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये तीनों बीजेपी का प्रदेश में बड़ा चेहरा मानी जाती थी। फिलहाल राजनीति में इन तीनों का नाम ऐसे गायब हुआ है जिसे ढूंढना फिलहाल तो आसान नजर नहीं आता।